हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द साइंस ऑफ क्लास सेवन लेसन सेवन पेज नंबर 62 डूडल इट के लेफ्ट साइड से स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। इन द आफ्टरनून द टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम व्हाइल इन द अर्ली मॉर्निंग द टेम्परेचर इज़ मिनिमम। किसी भी दिन दोपहर के समय टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है जबकि एकदम सुबह टेम्परेचर कम होता है। तो मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं इसी टाइम रिकॉर्ड करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर में एकदम अर्ली मॉर्निंग मिलता है और मैक्सिमम टेम्परेचर में दोपहर के थोड़े समय बाद आफ्टरनून टाइम में मिलता है। नाउ इट कैन बी अंडरस्टूड दैट व्हाई वी फील मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड फील कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग इन समर। तो यही कारण है कि गर्मी के दिनों में दोपहर में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि सुबह के टाइम मौसम जब थोड़ा सा ठंडा होता है तो हमें कंफर्टेबल फील होता है। हाउ इज़ द वेदर एट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो ये जो सनराइज और सनसेट के समय का जो मौसम होता है वह कैसा होता है आपको बताना है स्टूडेंट्स की सुबह के टाइम और शाम के टाइम, क्योंकि वेदर तो हमेशा बदल रहा है। तो सुबह के टाइम टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जब शाम के टाइम जब सनसेट का टाइम आता है तो टेम्परेचर कम तो होगा दोपहर के कंपेरिजन से, लेकिन अर्ली मॉर्निंग से टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप हर कंडीशन, जैसे टेम्परेचर है और मॉइस्चर कंटेंट है, प्रेशर होता है, एयर के चलने की दिशा होती है, हवा किस दिशा में चल रही है, ये सभी वेदर की कंडीशन को बताते हैं। नाउ डूडल इट, आर द डेज शॉर्टर इन द विंटर दैन इन समर। क्या ठंडक के दिनों में दिन छोटे होते हैं और गर्मी के दिनों में दिन लंबे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग जान ही रहे हो कि सर्दियों के समय में दिन थोड़ा सा छोटा हो जाता है और गर्मियों के दिनों में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। इन विंटर्स यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले एज इट बिकम्स डार्क अर्ली। सर्दी के दिनों में जब दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं, तो चूंकि दिन छोटा हो रहा है इसलिए हमें खेलने के लिए कम समय मिल पाता है छोटे छोटे बच्चों को, और वो जल्दी ही, एक तो ठंडक भी होती है और ऊपर से दिन भी छोटा होता है, तो जल्दी ही हम लोग अपना खेल बंद कर देते हैं। जबकि गर्मी के दिनों में जब दिन लंबा होता है तो हम आराम से ज़्यादा समय तक खेल सकते हैं। नाउ पहली एंड वूझो इंक्वायर्स, व्हाई इज देयर फ्रिक्वेंट चेंजेस इन वीदर। वीदर में इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन क्यों होता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर, और ये जो वेदर है इसका कारण क्या है, इसका सोर्स क्या है वेदर का। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको समझेंगे। अगली हेडिंग है क्लाइमेट, एवरी डे द वेदर इज़ रिकॉर्डेड बाई मेट्रोलॉजिस्ट। हम इसको जानते हैं कि प्रतिदिन मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक होते हैं वो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स द वेदर रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रिजर्व्ड व्हिच हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस। किसी एक निश्चित जगह पर जो वेदर होता है कई सालों का, उसका अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये देखते हैं कि उसका जो रिकॉर्ड होता है वह थोड़े से पॉइंट के इधर उधर होता है। मतलब एक निश्चित जगह का जो वेदर होता है साल भर में अगर हम देखें तो ज़्यादा चेंजेज उसमें नहीं होते। वेदर में तो पर डे चेंज हो रहा है लेकिन एक एवरेज से पर डे चेंज होता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो किसी भी जगह का लंबे समय तक का जो वेदर रिकॉर्ड होता है उसे ही हम कहते हैं क्लाइमेट। जैसे 20 से 25 साल तक अगर हम कह लें, अब क्लाइमेट का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, अब जैसे पोलर रीजन हो गया तो पोलर रीजन में हमेशा ठंडक पड़ेगी, 12 महीने जो होगा वह ठंडक का ही महीना वहाँ रहेगा, ठंडक का ही मौसम रहेगा, वेदर वहाँ का हमेशा कोल्ड रहेगा। टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर में चेंज होगा वह हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर अगर हम 20-25 साल 50 साल या सैकड़ों साल का भी ले लें तो पोल का तो जो क्लाइमेट है ये ठंडा। तो क्लाइमेट मतलब कि जो कई सालों का रिकॉर्ड होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो पोल का जो क्लाइमेट होता है वह कोल्ड होता है, ठंडा होता है। ऐसे ही जो ट्रॉपिकल एरिया है उनका गर्म रहेगा, रोज़ का टेम्परेचर, रोज़ बारिश होगी, रोज़ हवा चलेगा, ये चीज़ें मौसम में परिवर्तन तो रोज़ होंगे, लेकिन जो एवरेज मौसम है वहाँ का वह गर्म ही रहेगा, साल भर वह गर्म ही रहता है।
तो क्लाइमेट क्या होता है, बहुत सारे जो ईयर्स होते हैं, कई सालों का रिकॉर्ड जो एक एवरेज वहाँ का मौसम होता है उसे ही हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज सेड टू बी हॉट, किसी जगह के क्लाइमेट को हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट गर्म है। इफ़ द टेम्परेचर एट दैट प्लेस इज फाउंड हाई फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, यदि ज़्यादातर समय उस जगह का हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वह जगह जो होता है हर समय गर्म ही रहती है, तो हम कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट है, वह एक गर्म जगह है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज सेड टू बी हॉट एंड वेट इफ देयर इज हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, और अगर किसी जगह पर बारिश भी लगभग रोज़ हो रही हो और वह स्थान बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, मतलब सन की रेज भी आ रही हो डायरेक्ट और वहाँ पर बारिश भी अच्छी होती हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वह बहुत ही गर्म और नम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी भी पड़ती है और वहाँ पर मॉइस्चर की भी मात्रा ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर का जो एक टेम्परेचर है और रेनफॉल है ये दिया गया है, तो इसे देखना, इसे जनवरी में है, तो जनवरी में टेम्परेचर -2.3 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 4.7 जा रहा है, टोटल रेनफॉल मिलीमीटर में अगर हम देखें तो 57 है। ऐसे ही फरवरी में टेम्परेचर 0.6 है, माइनस में जा रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर 7.8 है, मार्च में 3.8 मिनिमम है, 13.6 मैक्सिमम आता है, अप्रैल में 7.7 मिनिमम है, 19.4 मैक्सिमम है। तो ये हर महीने का टेम्परेचर, ऐसे देखिए आप लास्ट में दिसंबर में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -1.6 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँच जाता है 8.2 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल ऐसे 43 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर समय तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है या मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर अगर आप देखिए तो 30 के बिलो ही आता है, तो यहाँ कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं, और सर्दी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जा रहा है लगभग, तो यह हम लोगों के स्थान के कंपेरिजन में यह थोड़ा सा ठंडा स्थान है। हम लोगों के अगर हम टेम्परेचर देखें तो गर्मियों में तो टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 45 तक चला जाता है जो अपने उत्तर प्रदेश में है हम लोगों के एरिया में, और हमारे कंपेरिजन में अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें तो ये ठंडा स्थान होता है, वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है हमारे यहाँ के क्लाइमेट के कंपेरिजन में ठंडा है। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 63 पढ़ेंगे। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ टू प्लेसेस इन इंडिया आर गिवन इन टेबल 7.2 एंड इन 7.3। ऐसे 7.3 में केरला का तिरुवनंतपुरम का दिया गया है। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। इट इज़ द टू स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ। तो इस तरीके से हम एक जो निश्चित महीना है वहाँ के अगर हम टेम्परेचर की तुलना कर सकते हैं, फर्स्ट फाइंड द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। सबसे पहले तो हम उस महीने की एक एवरेज टेम्परेचर को निकाल लेते हैं। सेकेंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स, और ऐसे ही हम हर महीने का निकालेंगे, फिर हम कई साल का एवरेज टेम्परेचर निकाल लेते हैं। दिस विल गिव द मीन टेम्परेचर, और इस तरीके से हमें उस पर्टिकुलर जगह का मीन टेम्परेचर पता चल जाता है कि औसत टेम्परेचर वहाँ का कितना होता है, और इसे देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी जगह ठंडी होगी और कौन सी जगह गर्म होगी। अब जैसे हम तिरुवनंतपुरम का देखते हैं, जनवरी में 22.2 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम और मैक्सिमम है 31.5, तो श्रीनगर की अपेक्षा तो ये बहुत गर्म है। ऐसे दिसंबर में भी देखिए आप, तो तिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर है वह भी लगभग एक मॉडरेट टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा न ठंडी पड़ रही है और ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जबकि श्रीनगर में हम देखें तो गर्मी के दिनों में तो टेम्परेचर वहाँ का मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, जबकि ठंडी के दिनों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो जम्मू और कश्मीर का अगर हम एवरेज टेम्परेचर देखें तो वो ठंडा है, और तिरुवनंतपुरम का जम्मू और कश्मीर के कंपेरिजन में थोड़ा सा गर्म है। द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला कैन बी इजली सीन इन टेबल 7.2 एंड 7.3। तो इस तरीके से टेबल 7.2 और टेबल 7.3 को देख करके हम ये दोनों जगह का टेम्परेचर देख सकते हैं। इट इज़ विजिबल दैट टेम्परेचर ऑफ केरला इज वेरी हॉट एंड वेट एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर व्हिच हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर।
तो अगर हम दोनों जगह के टेम्परेचर को कंपेयर करें तो जम्मू और कश्मीर का टेम्परेचर केरला के अपेक्षा बहुत कम होता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केरला जम्मू और कश्मीर की अपेक्षा गर्म प्लेस है, और जो जम्मू और कश्मीर है वह एक ठंडी जगह है। द डाटा फॉर राजस्थान, वन ऑफ द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य जो राजस्थान, अगर हम वहाँ की कंडीशन देखें, विल शो दैट ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर द टेम्परेचर इज हाई, साल के ज़्यादातर महीने वह बहुत ही गर्म रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर इज क्वाइट लो विच परसिस्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन ठंडक के कुछ महीनों में वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन यह केवल कुछ महीनों के लिए ही होता है। दिस रीजन रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, इट इज़ हॉट एंड ड्राई, इसलिए राजस्थान एक गर्म और शुष्क जगह है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ रिफर्ड एज द डिजर्ट क्लाइमेट, और इस तरह के क्लाइमेट को हम लोग डिजर्ट क्लाइमेट कहते हैं, रेगिस्तानी जगह कहते हैं। द नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया, अगर हम उत्तर पूर्व भारत को देखें, फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर रिसीव्स रेन, यहाँ साल के ज़्यादातर महीनों में अच्छी बारिश होती है, मेकिंग द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन वेट, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो क्लाइमेट है वह हमेशा नम बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम देखें नॉर्थ प्लेस में जैसे जम्मू कश्मीर, ये ठंडा है, नॉर्थ वेस्ट जैसे राजस्थान, ये डिजर्ट क्लाइमेट है यहाँ की, अगर हम साउथ इंडिया देखें तो एवरेज टेम्परेचर है, और अगर हम ऐसे ईस्टर्न पार्ट को देखें भारत के, तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ की क्लाइमेट वेट होती है, टेम्परेचर एवरेज होता है और क्लाइमेट वहाँ की वेट होती है। तो ये पूरे इंडिया का एक तरह से क्लाइमेट होता है।